तो जो लोग कपड़े बदलने में लगते हैं, जो लोग घर बदलने में लगते हैं, जाति बदलने में लगते हैं, संप्रदाय बदलने में लगते हैं, नाम बदलने में लगते हैं, वे ऐसे हैं कि स्त्रियां पुरुष के कपड़े पहनने लगती है, पुरुष स्त्री के कपड़े पहनने लगते हैं, लेकिन वो भीतर से बदलता कुछ भी नहीं। और जो भीतर से बदल जाए, भीतर से बदलने वाला कुछ है नहीं, तुमने नहीं खोजा तब तक भीतर वाला न जाने क्या क्या खेल करता है, और खोजो तो गायब हो जाता है। इसलिए रमण महर्षि बड़ी अच्छी तरकीब से सत्य को उपलब्ध हुए थे और लोगों को भी यही बताया करते थे कि बैठो एकांत में, अपने को खोजो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। आज तक जो मान लिया है ना, वो अहंकार की मान्यता है, लोगों ने दी है, ये कौन है, वो कौन है, ये क्या है, वो क्या है, पूछा है। मैं क्या हूं तुमने कभी नहीं पूछा अपने को। अब अपने को पूछो मैं क्या हूं। दिवाली कौन मनाएगा, अश्वमेघ यज्ञ का फल कौन भोगेगा, दुख का फल कौन भोगेगा, पुण्य हो गया तो कौन भोगेगा, पाप हो गया तो कौन भोगेगा। इस प्रकार अपने को यदि गहराई से खोजा जाए तो आदमी इतना महान बन सकता है, इतना महान हो सकता है कि उसके आगे देवताओं का वैभव कुछ नहीं, यक्ष और गंधर्वों का साम्राज्य और सामर्थ्य कुछ नहीं, उसके आगे पृथ्वी का साम्राज्य कुछ नहीं, इतना वो महान हो सकता है। और इस खोज को छोड़कर, इस प्रक्रिया को छोड़कर, बाहर से कितना भी तुम महान बनो, लेकिन भीतर से उतने ही तुम दरिद्र होते चले जाओगे। बाहर से धनवान होगे और भीतर से भयभीत होते चले जाओगे। बाहर से कुटुंबी होंगे, मित्र होंगे, परिवार होगा, लेकिन भीतर से राग द्वेष और भय तुमको घेर लेंगे। कबीर ने ठीक कहा है, कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत। इस जगत में आकर तुमने बहुत मीत किए, मित्र बनाए। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। अपने को खोजोगे तो एक से दिल बंध जाएगा। अहंकार जो है एक से कभी तृप्त नहीं होता, अहंकार को खूब खूब चाहिए। नकली है ना, नकली चुप नहीं बैठेगा, और असली को कुछ करने की जरूरत नहीं। आत्मा असली तत्व है, शांति असली स्वभाव है, परमानंद असली स्वभाव है, ईश्वर तुम्हारा असली स्वभाव है, लेकिन जीव तुम्हारा नकली स्वभाव है। इसलिए जीव चुप नहीं बैठता है, कई जन्म लेता है, कई कपड़े बदलता है। एक जन्म में भी कई कपड़े चाहिए इसको कमबख्त को। श्री राम है, बात सरल भी दिखती है, कठिन भी उतनी है, सादी भी है और गहरी भी है। दाम व्याल और कट साबरी दैत्य ने तीन योद्धाओं की रचना की। जैसे जापान ने रोबोट का आविष्कार किया, यंत्र का पुरुष रोबोट, ऐसे ही मंत्र के पुरुष बनाए जाते थे पहले। साबरी दैत्य ने अपने मंत्र विद्या से तीन योद्धे रचे और देवताओं के साथ उनका वैर था, उन योद्धों को लगा दिया। महाराज जब योद्धे मैदान में आ जाएं, देवता पूछ दबा के भाग जाएं। वैसे लड़े जैसे यंत्र की पुतलीवत, उनको कोई पुण्य पाप का कोई ख्याल नहीं, परिणाम की कोई चिंता नहीं, सुख दुख की कोई परवाह नहीं, अपना पराया का भाव नहीं, बस वो भिड़ जाए, युद्ध करे जैसे कोई मशीन घूम रहा है, यंत्रवत चले। और उन्हें कभी ऐसा नहीं फुरता था कि हम युद्ध कर रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं या हम असफल हो रहे हैं। कर्म करने का उन्हें अहंकार नहीं फुरता था। बार बार देवता आए इन पर, लेकिन परास्त होकर भाग जाए। देवता कई बार परास्त हुए, थके। योग वशिष्ठ में एक कथा आती है, जाकर पितामह को पूछा कि साबरी दैत्य तो आराम कर रहा है, उसने ऐसे योद्धे बना दिए कि हमारा नाक में दम आ गया,
और वे योद्धे ऐसे हैं कि अजय हैं। हमारा खाना खराब कर दिया, हे पितामह आप ही कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कर्मंडलु से पानी लेकर आचमन लिए, पद्मासन बांधकर क्षण भर के लिए ध्यानस्थ हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा जब तक उनको अहंकार नहीं फुरता तब तक उनका विनाश होना मुश्किल है, तुम ऐसा कुछ कोशिश करो जिससे उन्हें अहंकार फुरे, जिससे वे अपने को कुछ माने। अपने को कुछ मानेंगे तभी वे मुसीबत में आएंगे, नहीं तो मुसीबत में तुम उनको डाल नहीं सकते। आप सोचोगे जब जब तुम्हारे पर मुसीबत आई है ना, तुम ढूंढ लेना कि तुमने कुछ अपने को माना है तभी। रात को कोई मान्यता तुम्हारी सजग नहीं है, कोई मुसीबत नहीं। दिन को माना अपने को पति, अपने को घर का वड़ा, जाओ कमाओ लाओ खाओ। अपने को माना पुलिस वाला, तुम लाइन दिखाओ। अपने को माना सेठ तो इज्जत संभालो। अपने को माना नौकर तो सेठ की जी हजूरी करो। अपने को माना माई तो अपने को भाई माना। कुछ अपने को मानना शुरू हुआ बस क्रिया चालू हो। क्रिया तो होती रहती है लेकिन मान्यता के कारण एक होता है विकर्म। विकर्म स्वाभाविक होता रहता है लेकिन अहंकार उसमें कर्म बना लेता है। तुम पुरुष हो, शरीर है, तो शरीर की चेष्टा उस प्रकार होगी प्रकृति में जो है। लेकिन तुमने अपने को पुरुष मान लिया तो फिर तुम्हारा विशेष अहंकार जो है ना तो उसमें सजावट करेगा। तुम स्त्री हो, स्त्री का स्वभाव, स्त्री की चाल शरीर से होगी, लेकिन तुमने अपने को स्त्री मान लिया तो फिर उसमें कुछ विशेषता तुम करोगे। नकटो पाया, चूड़ियों पाया, गोटखेरी झाया, कुंवारखेरी झाया, ये सारे के सारे कर्म तुम्हारे में आ जाएंगे। विकर्म होते रहते हैं लेकिन कर्म आदमी थोपता है अपने में। ऐसा नहीं कि तुम अपने को आत्मा मानोगे या अहंकार चला जाएगा तो भूख नहीं लगेगी। रोटी तो अभी खाते हो और बाद में खाओगे। अभी खाते हो तो तुमको लगेगा कि मैं खा रहा हूं और बाद में तुमको पता चलेगा कि ये खा रहा है। अभी तुम बोलोगे तो बोलोगे कि मैं बोल रहा हूं और पता चल गया कि तुम्हारा अहंकार चला गया तो पता चलेगा कि ये बोल रहा है। यदि तुम करता और भोगता होते तो कई भोग आए और चले गए तुम भी चले जाते, कई दुख आए और चले गए तो तुम भी जाते, सुख आए चले गए तुम भी जाते। सुख दुख आए और गए लेकिन तुम गए नहीं, तुम तो ज्यों के त्यों रहे। सब दिए गुजरी व्या, जनून आ गई मन में, ऐसे वैसे विचार आ गए तब भी तुम थे, अच्छे विचार आए तब भी तुम थे, हल्के विचार आए तब भी तुम थे, फिर पवित्र विचार आए तब भी तुम हो। तो विचार आए और गए, विचार प्रकृति के, सुख प्रकृति के, दुख प्रकृति के। कि बाप जी हूं के भी रीते जो छो तमने शू खबर हो बाप जी, मारा दुख ना दाड़ा छे, दाड़ा जता नथी। ये सारी की सारी ना समझी की बातें हैं। जरा तुम समझ से काम लो तो दुख में कोई तुम्हारे पर दुख नहीं पड़ सकता, सुख के प्रसंग में तुम्हारे पर सुख का प्रभाव नहीं पड़ता। ये बधु वीती जाए छे, स्वप्न थई गयो। ब्रह्मा जी ने कहा कि इनको अहंकार नहीं फुरता, इनके विकर्म हो रहे हैं। विकर्म समष्टि का स्वभाव है और कर्म व्यष्टि का स्वभाव है। ये समष्टि इनके साथ जुड़ी है, पूरी प्रकृति इनके साथ जुड़ी है। तुम इनको परास्त नहीं कर सकते हो, इनको तुम देह के अहंकार में लाओ तब ये जीते जाएंगे। वाह भाई वाह। तुम युद्ध न करो, इनके आगे आओ फिर भागो, फिर इनकी प्रशंसा करो, फिर आओ फिर उनको करो भाई युद्ध कर रहे तुम, वाह भाई वाह। ऐसा करके इनके अंदर अहंकार जगा दो। और जब तुम अपनी निंदा या स्तुति को स्वीकार करते हो तो तुम्हारा जो है विकर्म नष्ट होकर कर्म चालू हो जाता है और तुम्हारा बल सीमित हो जाता है। कर्मों को जोखम है, विकर्म को कोई जोखम नहीं। विकर्म होते हैं प्रकृति में, कर्म भी होते हैं प्रकृति में, लेकिन अहंकार से विमुग्ध होकर हम कर्मों को अपने में ले आते। प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृते क्रियमाण,
गुणै कर्माणि सर्वशः गुणै अहंकार विमुड्डात्मा अहंकार कर्ता अमिति मन्यते कर्ता अमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है, जानता नहीं है मानता है। तुम अपने को अकर्ता जान लो तो बेड़ा पार हो जाए, लेकिन कर्ता मानते हो तो कर्ता अकर्ता मानने लग जाओगे। जब झूठ मूठ में तुम अपने को कर्ता मानते हो तो फल भोगने पड़ते हैं और सुकड़ना पड़ता है, तो अकर्ता हो ये तो सच्ची बात है। तुम अपने को अकर्ता मानने लग जाओ, जो अपने को अकर्ता मानेगा ना उससे दूषित कर्म नहीं होंगे, उसकी वासनाएं जोर नहीं मारेगी, प्रारब्ध वेग से कई जन्मों का किया हुआ लेना देना शरीर से निपट जाएगा, लेकिन अंदर में विषाद नहीं होगा। भोग प्राप्त करके अपने को भागशाली नहीं मानेगा, विरोध प्राप्त होकर अपने को अभागा नहीं मानेगा। हाँ, तुम्हारे से विरोध करने वाले के अंदर होली हो जाएगी, तुम्हारे लिए अच्छा सोचने वाले के अंदर आनंद आ जाएगा, लेकिन तुम वहीं के वहीं ठहरोगे। श्री राम। तो ये टेक्निक हजार जन्म के तुम्हारे यज्ञ ये काम नहीं दे सकते, लाखों जन्म के तप तुम्हारा इतना कल्याण नहीं कर सकते जितना भगवान के दो वचन से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तुमने देखा होगा जब तुम्हारा शरीर में अहम होता है तो टेंशन बॉदरेशन, और तुम्हारा अहम सो गया निश्चिंतता, शब आसन में अहम ढीला हो जाता है तो ताजे हो जाते हो, और ऐसे आदमी को आदत पड़ जाती, कर्तृत्व भाव की आदत पड़ जाती। एक फौजी छुट्टियों में अपने घर घूमने को आया था, बाजार गया दही लेने को, दही का कटोरा हाथ में ले जा रहा था। कोई स्कूल का स्टूडेंट्स को मजाक सूझी, अटेंशन टैग, तो फिर ही वो सीधा हो गया, कटोरा गिर गया। और आपने कहिए दक्ष वामव्रत दक्षिणव्रत प्रचल है ढौ है ढौ है ढौ है। महाराज फौजी तो लग गया परेड में, उसको पता ही नहीं कि मैं छुट्टियों में आया था और दही का कटोरा भी था। तो ऐसे ही मनीराम को संस्कार पड़ जाते हैं, आदत पड़ जाती है। अब उस बच्चे के लिए तो हो गई मजाक, अब इसके मेहमान भूखे मरे, दही धुल गया बाद में कि किसने आवाज मारी, अब तारीख को फिर में पो तूने क्या किया, बोले हमने जो भी किया लेकिन तू क्यों ऐसे हो गया, बोले हमारे आदत थी। ओम ओम ती झूठी मूठी आदत भी सत्य घटना घटा देती है। तो सच्ची आदत यदि अपने में डाल दी जाए, मैं अकर्ता हूं, मुझ में कोई कर्म नहीं है, ये सब देह में है संसार में है, मैं इसका साक्षी आत्मा हूं, वाह 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 वाह, धन्यवाद करके तुम अपने दिल को खुश भी कर सकते हो, फलाना ने मेरे को ऐसा करा, ओहो कह दिया वो कह दिया, लेकिन अपने को तो अकर्ता मान, नहीं तो चोटे न जाने कितनी कितनी जीवन में आएगी। ठोकर जब लगती है ना तब सावधान हो जाओ, किसी न किसी मूढ़ता ने अंतःकरण को पकड़ रखा है, तभी अंतःकरण दुखी होता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वही तुमको सब कहते रहे ना, लेकिन ये भी है कि भगवान करे कि तुमको सब लोग तब तक कहते रहे जब तक तुम नहीं जगोगे तब तक। जिसे वो प्यार करता है उसी को आजमाता है, जिसे वो प्यार करता है उसी को वो आजमाता है, खजाने रहमते इस बहाने लुटाता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुढात्मा कर्ता अहम इति मन्येत। मुझे बड़ा अच्छा श्लोक लगता है, तुमको मजा आता होगी ना आता हो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इस श्लोक मुझे बहुत जचता है।
वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। भोग के साधन, भोग की वस्तुएं और भोक्ता, सत्वगुण भोक्ता है, रजोगुण भोग के साधन है और तमोगुण भोग की वस्तुएं हैं, होता है प्रकृति में। अब प्रकृति बंधन में आती है और प्रकृति ही मुक्त होती है, तू सदा के लिए जो का त्यों रहता है, ये तुझे पता नहीं। अहंकार विमुढ़ आत्मा कर्ता रो अहमिति मन्यत। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग 25-25 साल से जप करते, ऐसे लोगों को जानता हूं जो 40-40 साल से एकांत में रहते, 15-15 साल बद्रीनाथ आश्रम में, बद्रिका आश्रम बर्फ में पड़े रहे, 18 और 20 साल से आबू की गुफा में पड़े। अभी पूछो क्या हाल है, बोले दिलवाड़ा के लोग सब बदमाश है, ये स्कूल के बच्चे सब नालायक हैं, सामने बंगले वाला लोग दुष्ट है, संसार बहुत खराब हो गया। अरे तेरा जन्म संसार में दुष्ट देखने के लिए हुआ था क्या? तू संसार में अवगुण देखने के लिए पैदा हुआ था क्या, अथवा गुण देखने के लिए पैदा हुआ था? अपने को पूछ, आपका जन्म संसार में दोष देखने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आप संसार में दोष देखने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप संसार में गुण देखने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप तो जगत में फैले हुए जगदीश्वर को निहारने के लिए ही पैदा हुए हैं, ऐसा अपने को समझो। लेकिन ये अहंकार है ना, जैसी चादर जैसा जिस वक्त चश्मा पहनता है उस वक्त उसको ऐसा ही सच्चा लगता है। जिस वक्त चश्मा पहनता ना के साई तहाण मुके भीड़ इनता भाई साई पहरी जड़ा न रहा, उस वक्त ऐसा ही लगेगा कि साई पहले जैसे नहीं। और जिस वक्त श्रद्धा का चश्मा पहनेगा कि आहा साई पहले जैसे नहीं है, पहले से बहुत बढ़िया है, वाह, तो ऐसा लगेगा। और जिस वक्त ज्ञान का चश्मा पहनेगा कि स्वामी जी आद सत जुगाद सत है भी सत, पहले जैसे पहले जो थे अब भी वो है और बाद में भी साईं तो ऐसे कैसे रहेंगे, हमारी खोपड़ियां बदलती है तो साईं बदलते हुए दिखते, लेकिन साईं तो साईं, वाह मुझे साईं, वाह। चो श्री राम भेजारे दुश्मन जी दुआ, वर्ण सजन जू गारियों थू, आहे सब ख्याल जो चरखो जगत दिलदार जी मूरत। दुश्मन तुम्हें दुआ देता हो ना, मिठाई भी देता हो ना, तो तुम्हारे को डर लगेगा कि हमारा बेटा को नाठियो ना हुआ, और सज्जन तुमको गालियां भी देगा ना तो भी मीठा लगेगा, कह बेचारे गदड़ी नो गले जिसको तुम्हारा मन मित्र मान लेता है उसकी गाली भी तुम्हें मीठी लगती, और जिसको तुम्हारा मन शत्रु मान लेता है उसकी मिठाई भी तुमको जहर लगती, और जिस वक्त जिसके प्रति तुम्हारा मित्र भाव है उस वक्त उसकी सब चीजें अच्छी लगती, और जिस वक्त जिसके प्रति तुम्हारा जरा खट्टा मीठा भाव है उस वक्त तुम्हारे सांचे में सब टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है। जब लफड़ा हो जाए फिर मैं किसी को शिखामण दूं तो उसको टेढ़ी लगती है, मेरे को बहुत अनुभव है, अनुभव में सफेद बाल हो गए, धूप में नहीं हुए, मैंने धूप में सफेद बाल नहीं किए हैं, अनुभव से सफेद बाल किए। जिस वक्त जिसकी श्रद्धा है उसको जो भी कह दूंगा ऐसा लग जाएगा बेड़ा पार हो जाएगा उसको, और जिस वक्त जो डगुमगु होता है उसको भलाई के लिए हजार हजार सोच सोच के तोल तोल के भी बोलूंगा ना तो भी वहां टेढ़ा लग जाएगा, जू पी कथा हम बड़वा बेहड़ा मने, और कथा में तो कुछ निकलेगा ही, सीधा अपने तरफ ले लेगा, वाणी तो वही की वही है, लेकिन तुम्हारा जिस वक्त अहंकार जिस कोना देता है, स्वीकृति का कोना देता है तो उसको अच्छा अच्छा लगता है, और देता है तो सब शाह लतीफ और सामी साहब नाम के संत हो गए सिंध में। सामी साहब ने जो बोला वो श्लोकों में आ गया, उसको कहते हैं सामी जा श्लोक। स्वामी के श्लोक में एक श्लोक है, प्रिय संधे प्यार में, प्रिय संधे प्यार में मिड़ई मिठाई कोन्हे कड़ाई चखी जे चाह करे। जो प्रिय लोक है, जो सतपुरुष लोक है,
उनके प्यार में सब मीठा है, लेकिन तू चाह से चखे तो मिठाई दिखेगी और यूं चखेगा तो वहां मिर्ची दिखेगी। श्री राम। प्रकृते क्रियमाणानि प्रकृते क्रियमा गुणै कर्माणि सर्वशः गुणै कर्म अहंकार विमुद्धात्मा अहंकार कर्ता अहमिति मन्येत। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। मैं करता हूं मानेगा तो दुखी भी रहेगा, क्यों बहुत दुखी छू, मारो दिवस के बीते बीते छे बापू तमने शीख, मारी रात के भी रीते जाए छे बापू तमने शी खबर, मारी हौज के भी रीते पड़े छे तमने शी खबर। अभी जो तुम गिड़गिड़ा रहे हो रो रहे हो, वो रोने के पहले भी तुम थे, रोने के वक्त भी तुम हो, और रोना चलेगा तभी भी तुम हो। ऐसा यदि जानोगे ना तो रोना भी तुम्हारे लिए हंसने से ज्यादा सुखद हो जाएगा। अज्ञानी रोता तो रोता है लेकिन उसके हंसी में भी खतरा है, और ज्ञानी हंसता तो हंसता है लेकिन उसके रुदन में भी रहस्य समाया हुआ है, उसके रुदन में भी रस भरा हुआ है। एक बार तुम अहंकार से पार होकर यदि रो भी लोगे ने तो संसारियों का रुदन शांत हो जाएगा, एक बार हंस भी लोगे तो संसारियों की हंसी टिक जाएगी। लेकिन तुम अहंकार से जुड़कर हजार बार रो तो क्या कीमत उसकी, हजार बार हंसो तो क्या कीमत, अज्ञानी के रोने की कीमत क्या, अज्ञानी के हंसने की कीमत क्या? यदि कीमत होती तो दोबारा तुमको रोना न पड़ता। न जाने कितने जन्मों में रोते आए हो और इस जन्म में न जाने कितनी बार रोए हो, नो वैल्यू। अहंकार के रोने की और हंसने की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अहंकार की अहंकार का अपना कोई ठोस तत्व नहीं। इसलिए आप अपना जीवन यदि संभालना चाहते हो तो इस अहंकार को खोजो कि कहां रहता है। मैं करियो आऊ आवे हम छे तेम छे, दुख हुआ तो किसको हुआ, सुख आयो तो कैंखे आयो, नेठ छा घोट कैंजो कुंवर कैंजी, दुख कैंजो पुण्य कैंजो पाप कैंजो, पुण्य किसका पाप किसका दुख किसका सुख किसका, ऐसा यदि खोजो तो महाराज महाभजन हो जाएगा। परमात्मा सबसे मिला है और अहंकार मिले हुए हैं तो भी अब आपस में टकराते। एक कुटुंब के पांच आदमी और अहंकार के जुदे जुदे नमूने हैं तो पांचों टकराते। कई लोग बोलते हिंदू बन जाए तो शांति हो जाएगी, कई बोलते सब मुसलमान बन जाए तो शांति हो जाएगी, कई बोलते सब सिख हो जाए तो शांति हो जाएगी। ना ना, सिख होने से भी शांति नहीं, हिंदू होने से भी शांति नहीं, मियां भाई होने से भी शांति नहीं, तुम्हारा न होने से ही पूरी शांति है, तुम्हारे होने से ही गड़बड़ है सब। श्री राम। तुम्हारा होना माना अहंकार का होना, अहंकार चला जाए और तुम जग जाओ तो बेड़ा पार है। अहंकार तीन प्रकार के होते हैं और अहंकार कभी नाश नहीं होता है। जय राम जी। क्योंकि यदि नाश होता है तो उसका अस्तित्व है तभी तो नाश हुआ ना, वो है नहीं लेकिन अनजान में दिखता है। जैसे शमशान में जो भूत है ये सब कल्पना के भूत हैं, जो आदमी डरता है उसी को डराते हैं। सिंध में एक आर्य समाजी था, उसने दावा किया कि भूत भूत नहीं होते हैं। दूसरे ने कहा ठहरो ठहरो भरी तुम्हारे को क्या खबर, भूत नहीं होते। उस फलाने मसाण में बड़ा जिन्न है। बोले हम नहीं मानते। नहीं मानो तो क्या, वो तो है। ऐसा करो काली चौदस के रात को तुम वो झाड़ में रहता है भूत जिन्न, जिन्नाद है बड़ा काजी अली वो झाड़ के नीचे तुम एक खूंटा जो है ना गाड़ के आ जाओ रात को 12 बजे वापस, तो हम तुमको 100 इनाम देंगे। दो चार मित्रों ने कहा कि भाई 100 रुपया 200 रुपये को छोड़ो, अपने जीवन का सवाल है। बोला नहीं है,
अब नहीं है वो तो ऊपर से और है गहरा घुस गया। है कहने वाले बहुत थे और नहीं है ये कहने वाला सुना हुआ था। अब अचेतन मन में भूत घुस गया है और सचेतन मन में बाहर से कहता नहीं है तो गया, कील ठोकने को गया। हश्य हश्य हश्य, दस पांच हथौड़ी ठोकी कील को, रात्रि रात्रि में जल्दी ठोक के जाके 100 रुपया लेता हूं, आ तो नहीं जाएगा। महाराज वो अपनी धोती की पातली भी ठोक दी उसमें, साथ में धोती थी ना, धोती वो धोती की होती ना परली, उसका छेड़ा भी ठोक के जो गया तो धोती खिंच गई। हाय भूत, हाथ पे लोके मर गया। अब ये मरा तो कैसे मरा, जीने की इच्छा थी और अहंकार था कि मैं जीतूंगा। अहंकार नहीं होता तो भय नहीं होता, देखता कि पाटली है निकाल लेता। डरता भी अहंकार है और डराता भी अहंकार है, मरता भी अहंकार है और मारता भी अहंकार है। सत्य न मरता है न मारता है, न डरता है न डराता है, सत्य तो सत्य है। ध्यान करने की कोशिश न करो, खोजो। जैसे उस सम्राट ने खोजा था उस अहंकार को, उस कर्तापने को जिसमें चिंताएं रहती, जिसमें कर्म रहते हैं, जिसमें जन्म और मृत्यु को आमंत्रण करने के तमाम संस्कार पड़े हैं, उस कल्पित अहम को खोजो। पूछो कि अहम तू कहां रहता है बेटा, तू अपने ऊपर न जाने कितने कितने कवार चढ़ा देता है। तू माई बनकर बैठा है, तू किस स्त्री बनकर बैठा है, तू पुरुष बनकर बैठा है। तू आज ऐसा बन के दिखा कि मैं जो तुझे न जानू ऐसा बन के तू दिखा। तू आज एवो थई ने देखाड़ के हूं तने ना ओळखी सकूं, एवं कांक थई ने देखाड़ जो। लेकिन मुझ चेतन की सत्ता के बिना तेरा दिखना असंभव है, मुझ आत्मा की सत्ता के बिना तेरा होना असंभव है। कृष्ण के दो वचनों को ही जो जीवन में समझ लेता है उसने सब देवताओं को रिझा लिया, सब देवियों को रिझा लिया, सब यज्ञ उसने कर लिए, सब तीर्थों में उसने स्नान कर लिया। जिसने आत्म तीर्थ में डुबकी मारी, स्नातम तेन सर्वतीर्थम, दातम तेन सर्वदानम, कृतम तेन सर्वयज्ञम, येन क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। जिसने एक क्षण के लिए मन को ब्रह्म विचार में स्थिर किया है, उसने सब तीर्थों में नहा लिया, उसने सब यज्ञ कर लिए, उसने सब प्रकार के तप तप लिए। जिसने एक क्षण के लिए भी आत्म विचार में उस अंतर्यामी परमात्मा में गोता मारा, जिसने एक क्षण के लिए भी अपना अहंकार अनंत आत्मा में डुबा दिया,